क्या दोस्तों, मैं अमर भार्गव, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको आपके भूले हुए संस्कारों से जगाने आया हूँ, चरण स्पर्श का संस्कार। दोस्तों, हमारे यहाँ पैर छूने को एक संस्कार और आस्था की श्रेणी दी गई है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं चरण स्पर्श का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जब आप किसी के सामने चरण स्पर्श करते हैं, जब आप किसी के सामने झुकते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसको सम्मानजनक अभिवादन कर रहे हैं और अपना सारा अहंकार उसके प्रति त्याग कर दिए हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में माता पिता, बड़े बुजुर्ग, शिक्षक, संतों या जो भी अभिवादन करने योग हैं, उससे आशीर्वाद लेना लिखा हुआ है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, क्या अपने छोटों से आशीर्वाद पैर छूकर लेना चाहिए? तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अभिवादन करने योग है, तो आप उसका चरण स्पर्श जरूर करें, क्योंकि आप उसके शरीर को नहीं देख रहे हैं, आप उसकी आत्मा और उसके आत्म तेज को देख रहे हैं। आइए जानते हैं चरण स्पर्श का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, जब कभी भी आप चरण स्पर्श करें किसी का, तो सबसे पहले तो उसके आगे घुटने के बल बैठ जाएं और अपना शरीर आगे की तरफ झुका दें। और जब आप उसका चरण स्पर्श करेंगे, तो याद रहे, आपका सर आपके दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए। तीसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप चरण स्पर्श करें, तो याद रहे, आपके राइट हैंड के फिंगर सामने वाले के राइट लेग के अंगूठे पे पड़नी चाहिए और आपके लेफ्ट हैंड के फिंगर सामने वाले के लेफ्ट लेग के अंगूठे पे पड़नी चाहिए। आप इस तरह से आशीर्वाद लें। आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सही तरीका है आशीर्वाद लेने का। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। आप अगर ऐसा करेंगे, तो आप हमेशा मेंटली, फिजिकली और सोशली स्ट्रांग रहेंगे। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, जब आप चरण स्पर्श करते हैं, तो एक एनर्जी का फ्लो होता है। आप एनर्जी रिसीव करते हैं और सामने वाला एनर्जी देता है। ये आती कहाँ से? दोस्तों, आपको चरण स्पर्श करने से आपकी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ती है। दोस्तों, एनर्जी आती है मस्तिष्क से, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एनर्जी आपके पैर तक और आपके हाथ तक रहती है। दोस्तों, जब आप चरण स्पर्श करेंगे, तो ये एक सर्किट बनाएगा। आपका हाथ एक रिसेप्टर का काम करेगा, और जो आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति है, वो पावर गिवर का काम करेगा। दोस्तों, जब आप आशीर्वाद लेंगे, जब आप उसके चरण स्पर्श छुएंगे, तो उसकी सेल्स और उसकी तंत्रिकाएं उस चीज़ को स्वीकार करेंगी, और उसके मन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जो आपको आशीर्वाद के रूप में राइट हैंड से मिलेगी। याद रहे, आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति राइट हैंड से आशीर्वाद देना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे शारीरिक फायदे भी बहुत हैं। कैसे? आप अगर घुटने के बल बैठेंगे, तो आपकी रीढ़ की हड्डी की, आपकी गर्दन की और आपकी घुटने की एक्सरसाइज होगी। अगर आप साष्टांग प्रणाम लेट के करते हैं, उससे आपकी आंखों को आराम मिलता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। दोस्तों, आजकल कुछ लोग अजीब तरीके से चरण स्पर्श करते हैं। आप ये मान के चलिए, वो ना तो अभिवादन करते हैं और ना सामने वाला आशीर्वाद लेता है। वो लोग खाली ऐसे फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है। आप अपने संस्कार को जानिए। ना तो आपने आशीर्वाद लिया और ना सामने वाले ने दिया। दोस्तों, आशीर्वाद में एक अद्भुत शक्ति है। अगर आप प्रतिदिन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, तो दोस्तों, आप याद रहे, आपको आपके लक्ष्य से हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपको कभी भी अकेलेपन में अकेलापन नहीं लगेगा। हमेशा माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आशीर्वाद एक हौसला देता है। आप कभी भी कोई लक्ष्य इस हौसले से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे संग पढ़ लीजिए कि आप हाय हेलो बंद करिए और ये चरण स्पर्श का सही तरीका अपने लाइफ में अजमाइए। दोस्तों, आप प्रतिदिन सुबह उठ के अपने माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि इससे अच्छी एनर्जी आपको कभी नहीं मिल सकती। और दोस्तों, याद रहे, इससे सारे ग्रह बिगड़ जाते हैं। धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके।